कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर बाजार में लगे अपने वेलकम होर्डिंग्स को उखाड़ फेंकने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। राजेंद्र राणा ने होर्डिंग्स को उखाड़ फेंकने को लेकर सुजानपुर बाजार में अपने समर्थकों सहित काले बिल्ले लगाकर रोष रैली निकाली और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजेंद्र राणा ने होर्डिंग्स को उखाड़ फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर सुजानपुर पुलिस चौकी का भी घेराव किया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर बाजार में लगे अपने वेलकम होर्डिंग को उखाड़ फेंकने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। राजेंद्र राणा ने होर्डिंग को उखाड़ फेंकने को लेकर सुजानपुर बाजार में अपने समर्थकों सहित काले बिल्ले लगाकर रोष रैली भी निकाली और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजेंद्र राणा ने होर्डिंग को उखाड़ फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने पर सुजानपुर पुलिस चौकी का भी घेराव किया। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में भाजपा सरकार में गुंडागर्दी जोरों पर है। पुलिस इन भाजपा समर्थित गुंडों पर लगाम लगाने में पूरी असफल रही। राणा ने कहा कि इससे पहले भी सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा लगाई गई शिलान्यास पटिकाओं को तोड़ा गया था, जिसे लेकर विधानसभा में भी चर्चा की गई थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोबारा लगाने का आश्वासन दिया था। हालांकि कुछ पटिकाओं को दोबारा से लगा दिया है, लेकिन अब विधायकों द्वारा लगाए गए होर्डिंग को उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। राणा ने हमीरपुर जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस ने होर्डिंग उखाड़ फेंकने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने का जैसे सरकार ने लाइसेंस दे रखा। मैं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कल जो है शरेआम यहाँ पर लोकल विधायक की जो होल्डिंग लगी थी उसका जो है उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको फाड़ा गया और जो है प्रशासन जो है यहाँ पर मुख दर्शक बन के बना रहा। और इससे पहले भी सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं और कई शिलान्यास जो राजा वीरभद्र सरकार के समय हम लोगों ने किए थे उन शिलान्यासों को तोड़ा गया है और जिन सड़कों के शिलान्यास किए गए थे और वहां पर बोर्ड लगे हुए थे वो बोर्ड तोड़े गए। हमने प्रशासन को कई दफ़ा इस बात की शिकायत करी, आज तक ना तो प्रशासन ने उन लोगों के अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी जो FIR दर्ज नहीं की और ना ही PWD डिपार्टमेंट ने कोई FIR दर्ज करवाई। और जब ये मामला मैंने विधानसभा में उठाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो जहाँ शिलान्यास तोड़े गए उनको वापस लगाया जाएगा। शिलान्यास कई जगह वापस भी लगाए गए और फिर इन कुंडों ने तोड़े। इनके बाद हिमाचल की विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाएंगे। आज सुजानपुर में घटना घटी है, कल को कांगड़ा में घटेगी, परसों शिमला में घटेगी, तो मैं सरकार को विधानसभा के अंदर भी पूछूंगा कि भाई ऐसा गुंडागर्दी करने का कोई लाइसेंस आप लोगों ने दे रखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन इसके इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना हो। वहीं खेल नीति को लेकर विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, वे ही श्वेत पत्र जारी करेंगे। राणा ने कहा कि विधानसभा में भी खेल नीति को लेकर प्रश्न उठाया है और BJP सरकार नई खेल नीति बनाए और इसमें किसी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा संघ का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने श्वेत पत्र की मांग को लेकर कहा कि प्रदेश में सरकार BJP के है तो BJP को इसमें काम करना चाहिए। हमने विधानसभा में कहा है, अभी भी आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि एक एक आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं अगर वो 10-10 संघों पे अपना कब्जा करेंगे राजनीतिक दृष्टि से तो वो संघों का भला नहीं होने वाला। हमने विधानसभा के अंदर बोला है सरकार नई नीति बनाए और उस नीति में एक व्यक्ति एक संघ से ज्यादा का अध्यक्ष ना हो, तो मुझे लगता है कि हमें जो ठीक लगता है हमने बोला है। सर, स्वेच्छ पत्र जारी करने की मांग की उन्होंने, किस बात का? इसी को लेकर, खेल नीति को सरकार इनकी है, सरकार इनकी अपनी सरकार को बोले कि श्वेत पत्र जारी करें, सरकार इनकी है उसको बोलना चाहिए क्या? इनकी सरकार है जो प्रदेश में सरकार चला रहे हैं उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त लाए, छोटे से ब्रेक आए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।